हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हमने हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, तो चलिए हम इनसाइट के स्टार्ट की थी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विद रेफरेंस टू द गांधी इरविन पैक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द इंटरनेशनल कांग्रेस एग्री टू टेक पार्ट इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नहीं देखो, इसके बाद के हमने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एग्री किया था, ना कि फर्स्ट में। द पैक्ट रिजल्टेड इन द सस्पेंशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस। ये बात बिल्कुल सही है, हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर। देखो, हर एक पॉलिटिकल प्रिजनर को नहीं उन्होंने एग्री किया था कि वो रिलीज करेंगे, सिर्फ जो लोग नॉन वायलेंट रहे थे उनको रिलीज करने को बोलता। तो ओनली सेकेंड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द म्यूजिक। भरतनाट्यम शिरा इज द अर्लीस्ट नोन बुक ऑफ द इंडियन म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। ये बात बिल्कुल सही है। आमिर खुसरो इन्वेंटेड द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार एंड तबला। तो ये भी बात सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिस एक्ट प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। तो गाइज, ये आपको पता होगा, ये बात बिल्कुल सही है। द एक्ट गेव मोर ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस। तो ये बात भी सही है। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब 1919 आया तो हमने प्रोविंसेस में डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करी थी, लेकिन 1935 में क्या प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी ज्यादा दे दी थी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऋग्वेदा पीरियड, पीपल हैड अ वेल सेटल्ड एंड द वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइफ ड्यूरिंग द एज। देखो, नहीं, ऐसा नहीं था। द वुमेन यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन द पॉपुलर असेंबलीज, कार्ड सभा एंड समिति। ये बात बिल्कुल सही थी, उस वक्त जो वुमेन का स्टेटस था वो अच्छा था। वर्ण सिस्टम वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक एज। तो ये बात सही है, वर्ण सिस्टम वहाँ प्रेजेंट था, लेकिन वहाँ बाय कास्ट नहीं था, बाय कर्मा था। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। रिसेंटली चोखंडी स्तूप, तो गाइस हमने इसको PT365 कल्चर में कवर भी किया, हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द साइट इज लोकेटेड इन द सारनाथ यूपी। ये बात बिल्कुल सही है। द स्तूप फाइंड मेंशन इन द अकाउंट ऑफ द चाइनीज ट्रैवल ह्यून सांग। तो ये बात भी सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द विजयनगर एम्पायर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कृष्णदेवराय वॉज इट्स मोस्ट फेमस रूलर। ये बात बिल्कुल सही है। द रिमेन्स ऑफ एम्पायर कुड बी फाउंड इन द मॉडर्न हम्पी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक। ये भी बात सही है। द एम्पायर वॉज नोन फॉर इट्स रचना। ये बात बिल्कुल सही है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, कंसीडर द ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वॉज सेटअप बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नहीं, देखो, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उसे लॉर्ड डलहौसी ने सेटअप किया था, ना कि बेंटिंक। तो स्टेटमेंट गलत होगी। वुड्स डिस्पैच ऑफ द 1854 इज कंसीडर्ड एज द मग्न कर्तन ऑफ द इंडियन एजुकेशन। ये बात बिल्कुल सही है। कलकत्ता मद्रासा वॉज एस्टैब्लिश बाय द लॉर्ड वॉरन हेस्टिंग इन 1781। ये बात भी सही है, एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले जो एस्टैब्लिश किया था, बल्कि वो भी कलकत्ता मद्रासा ही था। तो ओनली सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द वेरियस बुद्धिस्ट काउंसिल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट द वैशाली ड्यूरिंग द रियाइन ऑफ द किंग आजाद चतुर। देखो, जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो राजगृह में हुई थी, ना कि वैशाली में हुई थी। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट राजगृह, नहीं, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुई थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई। द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट द पाटलिपुत्र ड्यूरिंग द रियाइन ऑफ द किंग कनिष्का। देखो, ये बात सही है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई थी, लेकिन वो कनिष्का नहीं नहीं उसको रूल किया था, उसने अशोक ने इसको लीड किया था। कनिष्का ने जिस बुद्धिस्ट काउंसिल को हेड किया था वो फोर्थ थी, इसलिए जो है वो तीनों की तीनों स्टेटमेंट गलत हो गए। तो नन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरन स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक। कौन से बैंक हैं जो प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स के अंडर आते हैं? तो भाई, चारों के चारों का आते हैं, क्योंकि हमने इकोनॉमी के आपको पता है इतने टेस्ट किए, तो उसमें आपको अब तक पता चल ही गया होगा। मैच लिस्ट वन और सेकेंड को आपने लिस्ट करना और बताना करेक्ट क्या है। रोलेट एक्ट के बाद क्या लॉर्ड रीडिंग थे? देखो, आपको पता होना चाहिए रोलेट एक्ट 1919 में आया था, तो उस वक्त क्या मोंटाकू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी आए, तो आपको पता होना चाहिए। तो कैम्सफोर्ड थे वो, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी। ठीक है, आई मीन सॉरी, मैच करना है। ठीक है, तो ए का क्या है? ए का टू है। ठीक है, मोपीला रेबेलियन कब हुआ था? तो ये लॉर्ड रीडिंग के टाइम में हुई थी। लाहौर रेजोल्यूशन, देखो कहीं आपको पता होना चाहिए लाहौर रेजोल्यूशन कब आया था। ये लाहौर रेजोल्यूशन लॉर्ड इरविन के बाद हुआ था। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 लॉर्ड कैनिंग आया था। तो इसके हिसाब से क्या है? ए का टू, बी का वन, सी का फोर, डी का थ्री है। विद रेफरेंस टू द एंशियंट इंस्क्रिप्शन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वॉज कम्पोज बाय द हरिसेना द कोर्ट पॉइंट ऑफ द किंग समुद्रगुप्त। ये बात बिल्कुल सही है। आई होल इंस्क्रिप्शन वॉज कम्पोज बाय द रवि कृति द कोर्ट पॉइंट ऑफ द चालुक्यन किंग पुलाकेसी। तो बात भी सही है। हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू द किंग महापद्मानंदा। देखो नहीं, ये गलत है। जो हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन है वो महापद्मानंदा नहीं, कलिंगा किंग खारावेला के बिलोंग करता था। ठीक है, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या इसमें करेक्ट है। आगे पूछते हैं कुछ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करनी है आपने। ही एबोलिस्ट, एक मिनट, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वर टेकन बाय द अकबर, अकबर के द्वारा कौन कौन स्टेप लिए गए थे आपने उनको बताना है। ही एबोलिस्ट जीजिया विच वॉज द हैवी टैक्स इम्पोज ऑन ऑल द मुस्लिम पीपल फॉर देर प्रोटेक्शन इन द स्टेट। देखो, जो जाजिया था ना वो नॉन मुस्लिम पे लगता था, ना कि मुस्लिम पे, इस वजह से स्टेटमेंट गलत होगी। ही एबोलिश द पिलग्रिमेज टैक्स फॉर बाथिंग एंड द होली प्लेसेस लाइक प्रेग। ये बात बिल्कुल सही है। ही एबोलिश द फेसफुल फोर्सफुल कन्वर्जन ऑफ वार प्रेसिडेंट इन टू इस्लाम। तो ये बात भी सही है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है।
With reference to the golden langurs recently in the news, Chakrashila is the India's world life first wildlife sanctuary with golden langur as the प्राइम मिनिस्टर से तो ये बात बिल्कुल सही है. गोल्डन लंगूर इज लिस्टेड अंडर द वल्नरेबल नहीं है एंडेंजर्ड कैटेगरी में, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट केस में करेक्ट है. विद आइडेंटिफाई द कांग्रेस सेशन, आपको पता ना इस सेशन में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास हो, तो भाई गाइस आपको पता ही चल गया होगा लाहौर सेशन है. 26 जनवरी 1930 को उन्होंने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे भी डिक्लेयर किया था, तो ये बात देखो मैंने आपको बता दिया लाहौर सेशन ही है. इट ऑथराइज द लॉन्च ऑफ द सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट, तो आपको बताओ कराची सेशन है, सूरत, लाहौर या इलाहाबाद, तो भी लाहौर सेशन ऑफ 1929 इसका करेक्ट आंसर है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द सुल्तानत फिर कैम बी इन द गुजरात वॉज फेमस फॉर द गोल्ड एंड सिल्वर वर्क, ये बात बिल्कुल सही है. सोनारा गांव इन द बेमल वॉज फेमस फॉर द सिल्क एंड मुस्लिन, तो ये बात भी सही है. प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल इंप्रूव्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पिनिंग, तो भाई तीनों के तीनों स्टेटमेंट कैसे बिल्कुल करेक्ट हैं. आगे बढ़ते हैं. विद रेफरेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंस इन एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. शुश्रुता रोड शुश्रुता संहिता विच इज कॉल्ड एज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द इंडियन मेडिसिन. चक्रहा रोड चराका संहिता इन विच शी डिस्क्राइब द मेथड ऑफ द ऑपरेटिंग कैटरेक्ट एंड द स्टोन डिजीज. देखो शुश्रुता ने ये चाहे लिखा हो लेकिन इसके अंदर मेनली ऑपरेशन को क्या है कैटरेक्ट को स्टोन डिजीज का, और जो चक्राका है जिसको चक्राता संहिता इसमें मेनली क्या है एनसाइक्लोपीडिया, तो इनकी जो डिस्क्रिप्शन है इन्होंने इंटरचेंज कर दी. आर्यभट्टा ने कंपोज किया था आर्यभट्टा मैन डिस्कवर द कोर्स फॉर द सोलर एंड लूनर एक्लिप्स, तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है. कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट, डिफेंस ऑफ द फॉरेस्ट लॉ, रिफ्यूजल टू पे चौकीदार टैक्स, रिवोल्ट ऑफ द रानी गदेलियू, फॉर्मेशन ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट. कौन सा सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट के वक्त ये इवेंट हुआ था? देखो गाइस रिवोल्ट रानी गदेलियू ने इस वक्त किया भी था, ये भी बात सही है, ये भी सही है, ठीक है. लेकिन जो फॉर्मेशन ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त हुआ था 1942 में, ठीक है. तो ओनली फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, फोर्थ गलत है. With reference to the international COSPA SARSAT program seen in the news, consider the following statement. It is a satellite aided search and the rescue system to detect and the locate radio beacons activated by the person, aircraft or vessels in a distress. ये बात सही है, इसरो इसका मेंबर है, ये बात भी सही है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है. अब आपने क्या करना है, विद रेफरेंस टू द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कंसीडर द फॉलोइंग पेयर. गर्भगृह क्या चीफ ड्यूटी रूम को बोलते हैं, ये बात बिल्कुल सही. मंडप पिलर हाल को बोलते हैं, ये बात सही. गोपुरम एंट्रेंस गेट, तो भी तीनों की तीनों स्टेटमेंट के करेक्ट ऑलरेडी मैच है, ठीक है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जेंट्स वेंट टू साउथ अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूलभद्र, नहीं भद्रबाहू के अंडर लीडरशिप में गए थे. गौतम बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सरनाथ, ये तो आपको पता ही, बिल्कुल बात सही है. चंद्रगुप्त वाज इन्फ्लुएंस टू एक्सेप्ट जैनिज्म बाय द भद्रबाहू, ये बात भी सही है. दोनों सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राजा राम मोहन राय, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्मो समाज, ये बात बिल्कुल सही. ही फॉट अगेंस्ट द ईविल प्रैक्टिस ऑफ द चाइल्ड मैरिज एंड गॉट इट प्रोहिबिटेड, देखो कहीं इन्होंने सती के प्रति अगेंस्ट लड़ा था, ठीक है. चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट इन्होंने नहीं लड़ा, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी. संवाद कौमदी एंड द मीरत उल अखबार वॉज पब्लिश बाय हिम, तो ये बात सही है. गाइज अगर आपको नहीं पता तो इसको आप अपने नोट्स में एड ऑन कर सकते हो, तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट केस में सही है. विद रेफरेंस टू द G7 ओशन प्लास्टिक चार्टर रिसेंटली इन द न्यूज़ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है. इट इज़ अ लीगल बाइंडिंग चार्टर अगेंस्ट द प्लास्टिक पोल्यूशन, देखो लीगली बाइंडिंग नहीं है. US, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली एंड जापान ने इस पैक्ट को ज्वाइन किया हुआ. देखो इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने भी ज्वाइन किया है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल इंपैक्ट ऑफ सेंट्रल एशियन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द इंडिया. इंट्रोडक्शन ऑफ द हेरिडिटरी ड्यूल रूल एंड द सत्राप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये बात बिल्कुल सही है. इंट्रोडक्शन ऑफ कैप हेलमेट एंड बूट्स अंडर बाय वॉरियर्स, यूज बाय वॉरियर्स. इंट्रोडक्शन ऑफ टर्बनिक ट्यूनिक ट्राउजर्स एंड हैवी लॉन्ग कोट, ये बात सही है. इंट्रोडक्शन ऑफ कर्टेन्स यूज इन द थिएटर, तो भाई ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है. तो चारों की चारों चीज़ें क्या बिल्कुल करेक्ट है. कंसीडर द फॉलोइंग पर्सनैलिटी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, और आपको पता है रिस्पॉन्सिविस्ट में से कौन सा लीडर बिलोंग करता है. देखो गाइस आपको पता है एक स्वराजिस्ट थे जिन्हें हम नो चेंजेस बोलते थे, एक रिस्पॉन्सिविस्ट थे जो उसको प्रो चेंजेस बोलते थे. तो आपने बताया जो रिस्पॉन्सिविस्ट ग्रुप में होते थे मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, एन सी कलेकर. देखो जो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास थे मेनली वो किस में थे, वो स्वराजिस्ट में थे. बाकी तीनों किस में थे रिस्पॉन्सिविस्ट में. तो सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है. विद रेफरेंस टू द चंपारण सत्याग्रह कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वॉज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस मेटेड आउट टू द टेनेंट फार्मर्स इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ये बात बिल्कुल सही है. तीन खतिया सिस्टम था जो महात्मा गांधी वॉज अकॉम्पनीड बाय जे बी कृपलानी एंड राजेंद्र प्रसाद, ये बात भी सही है. इट वॉज द इंडियाज फर्स्ट सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट लॉन्च बाय द महात्मा गांधी, ये बात भी सही है. तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मौर्यन एम्पायर, द स्टेट हैज अपॉइंटेड द अध्यक्ष टू रेगुलेट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट, ये बात बिल्कुल सही है. शनि धाता वॉज द चीफ कस्टडियन ऑफ द स्टेट ट्रेजरी, ये बात भी सही है. पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइंस कैरीड द सिंबल ऑफ पीकॉक, हिल क्रेसेंट एक्सेट्रा फॉर्म द करेंसी, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है.
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द ह्यूमन ब्लड. इट ब्रिंग्स वेस्ट प्रोडक्ट टू द किडनीज एंड द लीवर विच फिल्टर एंड द क्लीन द ब्लड. ये बात बिल्कुल सही है. इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड कैरी सेल एंड द एंटीबॉडीज दैट फाइट इन्फेक्शन. तो ये बात भी सही है. इट्स फोर मेन कंपोनेंट प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट. तो आपको पता ही है तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल करेक्ट है. जो है इतना तो आपको साइंस पढ़ा ही होगा. ठीक है. आइडेंटिफाई अ मोन्यूमेंट हेरिटेज बिल्डिंग बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन. ये मैग्निफिशेंट बिल्डिंग है जो टर्क्स के द्वारा 13 सेंचुरी में बनाई गई है. इट इज डेडिकेटेड टू सूफी सेंट कुतुब उद्दीन बेकेर का की हु वॉज ग्रेटली वेनरेटेड बाय ऑल द पीपल ऑफ डेली. इट्स बॉल्कनी इज प्रोजेक्टेड येट लिंक विद मेन टावर. यूसेज ऑफ रेड और व्हाइट स्टोन इसमें काफ़ी यूज़ किया हुआ है. मार्बल तो कौन सी ये बिल्डिंग को बता रहा है? पुराना किला, रेड फोर्ट, हुमायूं में कुतुब मीनार. तो भैया कुतुब मीनार इसका क्या करेक्ट आंसर है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रोलाल्ट एक्ट. दस एक्ट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल एंड द कन्विक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. ये बात बिल्कुल सही है. रोलाल्ट एक्ट में यही आ गया था कि बिना ट्रायल के आप किसी को भी इम्प्रिजन कर सकते हो. द एक्ट इनेबल द गवर्नमेंट टू सस्पेंड द राइट ऑफ ह्यूबियस कॉर्पस. ये बात भी सही है. जो आपको पता है ह्यूबियस कॉर्पस में क्या होता है कि यू हैव द बॉडी ऑफ. ठीक है. तो इसने इसको भी क्या कर दिया था? सस्पेंड कर दिया. तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है. विद रेफरेंस टू द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. प्रार्थना समाज ऑफ बॉम्बे वाज फॉर्म्ड बाय द महादेव गोविंद रानाडे एंड द रामाकृष्ण भंडारकर. ये बात बिल्कुल सही है. ज्योतिराव गोविंद्र फूले ने सत्य शोधक समाज फाउंडेड किया था. भाई ये बात भी बिल्कुल सही है. दादा भाई नौरोजी नौरोजी फाउंड ने किया था. रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म इन द पारसी कम्युनिटी. तो भाई तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट हैं. With reference to the acute Japanese encephalitis, consider the following statement. The most common cause of the Japanese encephalitis is West Nile virus and the Chandipura virus. तो ये बात बिल्कुल सही है. It does not get transmitted from person to person and therefore patient do not need to be the isolated. दोबारा ये बात भी सही है. तो दोनों के दोनों statement क्या बिल्कुल करेक्ट हैं. With reference to the Harappan civilization, which of the following is described as the grid system? Grid system किसे define करते थे? Arrangement of godas, social hierarchy, barter system या town planning. तो आपको पता है grid system mainly town planning में काम आता. तो D statement बिल्कुल करेक्ट है. Consider the following features. Usage of the arc and dome on wide scale. Usage of fine quality of mortar. Usage of slab and the beam method. कौन से features को Turks के द्वारा introduce किया गया था? तो भाई ये सब के सब features हैं Turks के द्वारा ही introduce किए थे. All the three statement are correct. Consider the following statement. Two home rule leagues were started after the end of first war. भाई आप बताओ home rule league कब आई थी? 1916 में आई थी. और ये world war आपका कब खत्म हुआ था भाई? 1919. तो ये statement तो गलत होगी. So सुरेंद्रनाथ बनर्जी was the founder of the Indian Liberal Federation and was known as liberal. तो भाई ये बात बिल्कुल सही है. Only second statement क्या बिल्कुल करेक्ट है. कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स. देखो गाइज आप जरा अच्छे से पढ़ लेना इंडस वैली सिविलाइजेशन में उस वक्त कौन कौन से एनिमल्स थे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना पूछ लेता है हमेशा. और आपने देखा कल भी हमने इस क्वेश्चन किया, आज भी ऐसा क्वेश्चन करें. एलिफेंट, कैट, टाइगर, गोट, रेनो, कौन सा एनिमल है जो कि सील पे दिखाया गया है पशुपति महादेव की हड़प्पन सिविलाइजेशन में? तो आपको पता है एलिफेंट भी है, टाइगर भी है, रेनो भी है, गोट का कहीं भी जिक्र नहीं है ना कैट का. तो क्या तो फर्स्ट थ्री एंड फर्स्ट फाइव स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है. कंसीडर द फॉलोइंग लीडर्स. औरबिंदो घोष, बूम, डब्ल्यू सी बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक. आप बताओ इनमें से एक्सट्रीमिटिस लीडर्स कौन से थे? देखो आपको पता है लाल बाल पाल को तो हम क्या बोलते थे? एक्सट्रीमिस्ट बोलते. तो पाल तो है, बाकी जीके गोखले और जो डब्ल्यू सी बनर्जी हैं ये मॉडरेट्स में थे. औरबिंदो घोष भी एक्सट्रीमिस्ट में थे. तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्या है? बिल्कुल बात सही है. इवन की जो पैसिव रेजिस्टेंस का जो आइडिया था वो भी औरबिंदो घोष ने ही दिया था. ठीक है. Which of the following criteria must be fulfilled for any political party to become a national party? A party must be recognized as a state party in two or more states. नहीं, four states में होनी चाहिए. A party must have secured at least 6% of total. तो second statement इसमें बिल्कुल correct है, first statement इसमें गलत है. Which of the following correctly represents three gems of the Kannada poetry? तो guys ये आपको पता भी होगा. पंपा अय्या लोनन्ना कुंदनू वेंके नन्ना नहीं, पंपा पोना रहना. तो भाई ये इसका करेक्ट आंसर है. देखो इनके नाम बड़े अजीब से होते हैं प्रोनाउंस करने में. ठीक है. कन्ना कंजी पेरुनामा नहीं थे. ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया पन्ना पोना रहना थे. द होल रीजन इन विच द आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द सेवन रीजन्स. आपको पता है लैंड ऑफ सेवन रिवर था. उनमें सेवन रिवर्स में कौन कौन सी रिवर्स थी? सरस्वती, गंगा, इंडस या यमुना? देखो कहीं इसमें से सरस्वती इंडस थी. ठीक है, उसके अलावा जो पंजाब में पाँच रिवर्स हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज वो थी. ठीक है, तो इस हिसाब से सेवन रिवर्स थे. तो इसमें जो सरस्वती और इंडस इसका राइट आंसर है 1 and 3. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द दादा भाई नौरोजी. ही वाज द फाउंडर ऑफ द ईस्ट इंडियन एसोसिएशन इन लंडन. ये बात बिल्कुल सही है. ही इज फेमली कॉल्ड एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. ये बात भी सही है. ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ INC थ्राइस. ये बात भी सही है. तीनों के तीनों स्टेटमेंट के इसमें बिल्कुल करेक्ट हैं.
विद रेफरेंस टू द ऋग्वेदिक सोसाइटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें से आपको बताना कौन सा करेक्ट मैच है। देखो गविस्थी वॉर फॉर क्वाई है, लेकिन जो पंचांजना था उसमें क्या होता था, उस वक्त जो ट्राइबल सोसाइटी थी वो पांच ट्राइब्स में क्या डिवाइड थी, तो पंचांजना उसी को ही बोलते थे। अयास क्या था, अयास कोई ट्राइबल कम्युनिटी को नहीं डिफाइन करता, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप देख भी सकते हो अयास उस वक्त क्या था, एक चैरियट मेकर आर्टिसंस थे, उन्हें अयास बोला करते थे। ठीक है, रिसेंटली क्या है, इंडिया ने कंडक्ट किया सक्सेसफुल फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ द इंडिजीनियस डेवलप्ड HSTDV दैट इज द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। इन दिस कॉन्टेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज एन अनमैन्ड स्क्रैमजेट डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल दैट कैन क्रूज अप टू अ स्पीड ऑफ वन मैच। नहीं, देखो इसकी जो स्पीड है उसकी 6 मैच तक है। मैच का मतलब क्या होता है कि स्पीड ऑफ साउंड से जो इसकी स्पीड है वो 6 गुना ज़्यादा है, 6 टाइम ज़्यादा है। US, रशिया, चाइना आर द ओनली कंट्री दैट पोसेस दिस टेक्नोलॉजी, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या इसमें करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द चोला एम्पायर, अ वेल एस्टेब्लिश टैक्सेशन सिस्टम एक्जिस्टेड, ये बात बिल्कुल सही है। चोलाज वर नॉन फॉर देयर पावरफुल नेवी, ये बात भी सही है। किंग राजा राजा चोला बिल्ड द फेमस बृहदेश्वर टेम्पल विच इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, तो भाई ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट हैं। आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, ही फॉलोड द मोस्ट रेडिकल व्यूज ऑफ द टाइम, ड्रॉइंग इज इंस्पिरेशन फ्रॉम द ग्रेट फ्रेंच रिवोल्यूशन, ही वॉज एन एंग्लो इंडियन एंड लीडर ऑफ, देखो अब आपको पता चल गया यंग बंगाल मूवमेंट का लीडर था, तो आपको समझ में आ गया हो किसकी बात करें। ही वॉज अ ब्रिलियंट टीचर इट हिंदू कॉलेज एंड गोट रिमूव बिकॉज ऑफ इज रेडिकल एटीट्यूड, तो भाई बताओ इन्होंने किसको यहाँ पे पर्सनैलिटी है, राजा राम मोहन रो, नहीं भाई उन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट के लिए थे। हेनरी विवेन डेरोजी ये इसका करेक्ट आंसर है, ना ही विद्यासागर जी थे ना ही स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कम्युनल अवार्ड, द कम्युनल अवार्ड वॉज एम टू प्रोवाइड सेपरेट इलेक्ट्रोरेट टू द डिप्रेस्ड क्लासेस अपार्ट फ्रॉम 6 एंड, देखो कम्युनल अवार्ड क्या था, वो डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्ट्रोड दे रहा था, लेकिन 6 और क्रिश्चियन को तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 ने ही दे दिया, तो इस वजह से स्टेटमेंट गलत होगी। गांधी अपोज आइडिया ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, देखो गांधी ने सेपरेट इलेक्ट्रोड्स को अपोज किया था, रिजर्वेशन ऑफ स्टेट सीट्स को अपोज नहीं किया, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। पूना पैक्ट किस किस के बीच में साइन था, B.R. अम्बेडकर और ब्रिटेन गवर्नमेंट, नहीं B.R. अम्बेडकर और गांधी जी में साइन था, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट केस में गलत है। ठीक है, तो नन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द भक्ति सेंट, तो गाइस हमने कल भी किया था क्वेश्चन, अलवर्स वेल तमिल पॉइंट जो कि विष्णु को मानते, तो ये बात बिल्कुल सही है। नेनमर्स शिवा के, ये बात भी सही है। लिंगातिज्म फिलोसफर बसावा के, तो भाई तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है, ऑल द 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इट प्रोवाइड्स फॉर ऑल इंडियन फेडरेशन कंप्राइजिंग ऑल ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड इंडियन स्टेट, तो ये बात बिल्कुल सही है। एक्ट एबोलिश द डायरकी इन द प्रोविंसेस, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया 1919 के एक्ट में डायरकी हमने लाए थे प्रोविंस में, लेकिन 1935 में प्रोविंसेस को ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी थी। द एक्ट मेड द सेंट्रल लेजिस्लेटिव बाइकमैरल, तो ये बात भी सही है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अगस्त ऑफर, इट प्रोवाइडेड फॉर द डोमिनियन स्टेटस एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया, ये बात बिल्कुल सही है। इट प्रपोज द एक्सपेंशन ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल गिवन इंडिया द मेजोरिटी इन द काउंसिल, ये बात भी सही है। इट प्रपोज फॉर द सेटिंग अप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द वॉर इन विच द मेंबर्स वुड बी कंप्लीटली, देखो उन्होंने यही बोला था कि जो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करेंगे वो आफ्टर वॉर करेंगे, लेकिन उसमें कंप्लीटली इंडियंस की बात नहीं करती, मेनली इंडियंस की बात करती, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट के इसमें करेक्ट है। अगर आपने बताना है जो स्टेट्स हैं ये क्या, देखो कहीं अपने ज्योग्राफी भी करिए तो हमने इसमें काफ़ी पढ़ा, मलक्का स्टेट के अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी में, तो ये बात बिल्कुल सही है। बाबिल मंडप के अरेबियन सी एंड गल्फों में, देखो बाबिल मंडप क्या रेड सी और उसको कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ठीक है, बोस्पोरस स्टेट ब्लैक सी और मरमरा सी को कनेक्ट करता है, ये बात बिल्कुल सही है। यूरोप में इधर से स्टेट ऑफ हॉर्मुज रेड सी एंड बाबिल मंडप रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, ये मेनली पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इसमें सही है, बाकी सेकंड एंड फोर्थ इसमें गलत है। आगे बढ़ते हैं, विद रेफरेंस टू द जैनिज्म कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फर्स्ट तीर्थंकर वाज ऋषभनाथ, ये बात भी सही है। महावीरा लास्ट तीर्थंकर, ये भी बात सही है। ऑल द 5 जैन्स वोज वर गिवन बाय महावीरा, नहीं देखो महावीरा ने सिर्फ ब्रह्मचार्य का वो दिया था, बाकी जो 4 थे वो ऑलरेडी थे। देखो हम पढ़ भी सकते हैं, जो 5 है अहिंसा सत्य अस्तेय दैट इज द नो स्टीलिंग, किसी को चोरी नहीं करनी, परिग्रह किसी की प्रॉपर्टी नहीं आपको एक्वायर करनी, ब्रह्मचार्य, तो इसमें सिर्फ ब्रह्मचार्य था जो महावीरा के द्वारा दिया गया था, बाकी 4 किया थे ओरिजिनल थे। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट के इसमें करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वर पोजेस्ड बाय द रायोट अंडर द रोतवाड़ी सिस्टम, राइट टू सबटाइटल लैंड होल्ड, ये बात बिल्कुल सही। देखो रोतवाड़ी सेटलमेंट था उसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं रखा हुआ था जैसे परमानेंट सेटलमेंट और महालवाड़ सिस्टम में था। राइट टू मोर्टेज हिज हैंड लैंड होल्डिंग, ये बात भी सही है। राइट टू ट्रांसफर हिज लैंड होल्डिंग, तो ये भाई तीनों कितनों स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। अच्छा फोर्थ भी है, राइट टू सेल हिज लैंड, तो ये बात भी सही है। ठीक है, तो चारों के चारों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सरदार भगत सिंह, भगत सिंह अफर्म्ड हिज फेथ इन सोशलिज्म, ये बात सही है। ही हेल्प्ड इन एस्टेब्लिशिंग द नौजवान भारत सभा, तो ये भी आपको पता ही है। इन्होंने बॉम्ब थ्रो किया, तो भाई तो ये सबको ही पता है, भाई तीनों कितनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉइनेज इन इंडिया. पंच मार्क्ड कॉइन वर द अर्लीस्ट कॉइन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ये बात सही है. कुशाना रूलर्स ने स्टैंडर्ड कॉइन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था जहाँ पे कॉइन्स पे रूलर्स के नेम को इंस्क्राइब किया जाता था. देखो कुशाना से पहले भी किया जाता था तो ये गलत होगी. गुप्ता रूलर्स इशूड अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स. तो ये बात भी सही है. तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या इसमें करेक्ट है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल. ये मेनली देखो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हमने पढ़ा भी है. स्कूल जो इसके अंडर है वो CBSE अफिलेटेड स्कूल भी हो सकता है. हाँ भी हो सकता है. इट इज़ बिंग इम्प्लीमेंटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर. तो ये बात भी सही है. दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज द फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस अरेंज बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन एज इक्वल. तो ये बात भी सही है. इंडियन प्रिंसेस को भी इन्वाइट किया था ड्यूरिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. तो ये बात भी सही है. कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द थ्री राउंड. देखो कांग्रेस ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी. फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हड़प्पा आर करेक्ट. हड़प्पा के बारे में पूछा है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एट हड़प्पा इज ग्रेट बाथ. देखो पहली बात ये ग्रेट बाथ का जो स्ट्रक्चर है वो हड़प्पा में नहीं है, वो मोहनजोदड़ो में. इस वजह से स्टेटमेंट गलत होगी. लोटाल एक इंपॉर्टेंट पोर्ट एंड ट्रेडिंग सेंटर था हड़प्पन पीपल्स का. तो ये बात बिल्कुल सही है. ढोलावीला प्रोवाइड ग्रेट एविडेंस ऑफ वाटर मैनेजमेंट. ये बात भी सही है. सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है. आपने लिस्ट को मैच करना और बताना से करेक्ट आंसर क्या. देखो लुम्बिनी क्या है बताओ उसका. लुम्बिनी बुद्धा जी का बर्थ प्लेस है. बोध गया है वहाँ पर इन्होंने एनलाइटमेंट लिया था. ये बात सही है. सारनाथ में क्या इन्होंने पहला सरमन दिया था. खुशीनगर महापरिवर्तन मतलब कि जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी. तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है. ए का टू बी का वन. ठीक है तो इसका करेक्ट हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पब्लिश द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट बहुत ही अंकटाड है. हमने इकोनॉमी में पढ़ा है. वर्ल्ड बैंक नहीं है ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ना IMF. तो इसका जो राइट आंसर है वो अंकटाड है. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली और आप जरा राइट आंसर करेक्ट करो. हरिपुरा सेशन विटनेस देखो 1938 में हुआ था. विटनेस द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी. ये बात बिल्कुल सही है. अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल सुभाष चंद्र बोस ने इस सेशन को क्या किया था लीड किया था. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. द फर्स्ट रूरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन द फेजपुर प्रेजिडेंट प्रेजाइडेड बाय द जवाहरलाल नेहरू. तो ये बात सही है. सेकंड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द थियोसोफिकल सोसाइटी. द थियोसोफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय एनी बेसेंट के द्वारा. नहीं भाई इसको फाउंडेड नहीं गई थी. सोसाइटी वाज रिफॉर्मिस्ट इन नेचर. देखो ये रिवाइवलिस्ट इन नेचर था. एज इट एडवोकेट्स फॉर द स्ट्रेंथनिंग एंड रिवाइवल ऑफ द एंशियंट रिलीजन. तो ये बात सही है. मतलब रिफॉर्मिस्ट है इस वजह से गलत होगी. इट ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द फिलोसफी ऑफ उपनिषद समाख्या योगा वेदांता. तो ये बात सही है. ओनली थर्ड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मीडिवल पीरियड. घटिकाज वर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. ये बात बिल्कुल सही है. अर्गाता वाज अ वाटर व्हीलर यूज इन द इरीगेशन ऑफ लैंड. ये बात भी सही है. बंजारा वर ट्रेडर्स. तो ये बात भी सही है. तीनों की तीनों स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द राइट आंसर फ्रॉम द कोर्ट. द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन द बॉम्बे इन दिसंबर 1885 विद सुरेंद्रनाथ बनर्जी एज फर्स्ट. देखो आप तो आपको पता होगा WC बनर्जी इसके फर्स्ट वो थे चेयरमैन ना कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी. कदम्बिनी गांगुली वॉज द फर्स्ट वुमन ग्रेजुएट फ्रॉम द कलकत्ता यूनिवर्सिटी टू एड्रेस द कांग्रेस. की बात बिल्कुल सही. 1889 में इन्होंने क्या किया था एड्रेस किया था कांग्रेस को. तो सेकंड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ रमन वन. देखो रमन एन इसलिए आया था ताकि ये इनिशिएटिव था FSSAI का ताकि जो भी एडिबल ऑयल्स फैट्स है घी में जो भी एडल्ट्रेशन होते हैं उसको हम क्या कर सके डिटेक्ट कर सके. तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. लुखाटी खट्टा वॉज द फेमस नेम गिवन टू द गोपाल हरि देशमुख. ही एडवोकेटेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑन नेशनल. तो भाई ये दोनों स्टेटमेंट सही है. देखो कुछ ऐसे नाम आएंगे जो मे बी आपको नहीं पता होगा. आई मीन किसी को भी नहीं पता होगा तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर देना. ठीक है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इबादत खाना एंड फतेहपुर सिकरी वॉज हॉल इन विच द अकबर हेल्ड डिस्कशन विद स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स. ये बात बिल्कुल सही है. अकबर अपोजिस द जीजिया एंड द प्रोमोटेड रिलीजियस टॉलरेंस. ये बात बिल्कुल सही है. अभी हमने इससे रिलेटेड सेम क्वेश्चन ऊपर पढ़ा है. दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आदि ग्रंथ इज द कंपाइलेशन ऑफ सिक्स स्क्रिप्चर्स बाय गुरु नानक जी. गुरु अर्जन जी ने इसको कंपाइल किया था ना कि गुरु नानक जी ने. तो ये स्टेटमेंट गलत होगी. बिजाग इज अ कंपोजिशन ऑफ द टीचिंग ऑफ द संत कबीर. तो ये बात सही है. गीता गोविंद इज अ फेमस पॉइंट रिटन बाय चैतन्य प्रभु. नहीं इन्होंने नहीं लिखी. हम देख लेते हैं इनको किसने लिखी है. इसको गीता गोविंद को किसने लिखा. जय देवा ने लिखा हुआ. ठीक है. विद रेफरेंस टू द सब्सिडरी एलियंस. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द एक्सपेंशनरी पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स ऑकर ड्यूरिंग द लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स. देखो जो सब्सिडरी एलियंस है ये लॉर्ड वेलेस्ली लेके आए थे ना कि वारन हेस्टिंग्स. इसलिए स्टेटमेंट गलत है. इंडियन रूलर्स आर कंपेल्ड टू एक्सेप्ट द स्टेशनिंग ऑफ द ब्रिटिश फोर्स विद इन द टेरिटरी. ये बात बिल्कुल सही है. इंडियन रूलर्स को पे भी करना होता था ब्रिटिश फोर्स की मेंटेनेंस को. तो ये बात भी सही है. दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. टू एंड थ्री.
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द राइट आंसर फ्रॉम द कोर्ट्स. कबीर एंड गुरु नानक वर द भक्ति सेंट हु बिलोंग टू द सगुना ऑर्डर. देखो दो ऑर्डर होते थे, एक सगुना एक निर्गुना. जो कबीर और गुरु नानक थे वो निर्गुना ऑर्डर से थे, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी. नीराबाई चैतन्य महाप्रभु भक्ति सेंट जो निर्गुना ऑर्डर थे, नहीं ये उल्टा किससे थे, सगुना ऑर्डर थे. नामदेव टुकाराम जो महाराष्ट्र के भक्ति सेंट थे, तो भाई थर्ड स्टेटमेंट क्या इसमें बिल्कुल करेक्ट है. अब आपने बताना है फिलोसफी को वो करना है. अद्वैत रामानुजाचार्य की है, विश्वदिता आदिशंकरा पुष्टिमा. देखो जो अद्वैत है वो आदिशंकरा. देखो अद्वैत में क्या बोलते हैं कि एक यूनिवर्स है, ठीक है. विश्वदाता रामानुजा की और पुष्टिमा का वल्लभाचार्य की, तो करेक्ट मैच कौन सी, ओनली थर्ड. अभी टर्म जो चल मारिया और ट्रिकोमाने से सही न्यूज़ में थी, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द टर्म सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन स्पीसीज ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड लिजाल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फ्लूड्स यूज ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. तो भाई ये क्या है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग द अकबर रीजन. लैंड वॉज क्लासिफाइड इन द डिफरेंट कैटेगरीज नेमली पोलाज परौती चच्चर एंड द फंजर. पर यह बात बिल्कुल सही है. कल्टीवेटर हैज टू पे द रेवेन्यू इन कैश. देखो जरूरी नहीं है उनको कैश में पे करना पड़े, वो एज अ प्रोड्यूस भी कर सकते थे, ठीक है. जमा वॉज द अमाउंट असेस्ड एंड द हासिल वॉज द अमाउंट कलेक्टेड. तो ये बात भी सही है. फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द बुद्धिज्म एंड द जैनिज्म. अवॉइड द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लग्जरी एंड द. देखो बुद्धिज्म कभी भी एक्सट्रीमिटीज की बात नहीं करता था, वो हमेशा मॉडरेट रहता था, तो मध्य मार्ग उसने चूज किया था. रिजेक्टेड द सेक्रीफाइस परफॉर्मेंस इन द एंडोरेंस. ये बात बिल्कुल सही है. तो बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों ने क्या वैदिक रिचर्स को क्या किया था, अपोज किया था. सालवेशन कुड बी अटेन थ्रू पिनाक. तो ये स्टेटमेंट गलत है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट यह करेक्ट है. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द राइट आंसर. कराची सेशन वॉज प्रिजाइडेड बाय द वल्लभ भाई पटेल एंड द रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट. तो गाइस हमने कल ये सेम क्वेश्चन किया था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. हमने उस वक्त किया था कराची सेशन को वल्लभ भाई पटेल के द्वारा प्रिसाइड किया जाएगा. हरिपुरा सेशन वॉज प्रिसाइडेड बाय सुभाष चंद्र बोस एंड नेशनल प्लानिंग कमेटी वॉज एस्टेब्लिश. ये हमने अभी किया पीछे क्वेश्चन, ठीक है. तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंशियंट इंडिया. स्लेवरी एग्जिस्टिंग इन एंशियंट इंडिया. तो भाई स्लेवरी भी एग्जिस्ट करती थी, बिल्कुल करती थी. स्लेव्स वर ऑल्सो मेड टू पार्टिसिपेट इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी. ये बात भी बिल्कुल सही है. मेगास्थनीस डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ स्लेव्स इन इंडिया इन. देखो बल्कि मेगास्थनीस तो ये लिखा था कि इंडिया में स्लेवरी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई. तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है. अब आपको क्या है, डिफरेंट कलर कोड्स बताने हैं जो साइक्लोन के ड्यूरिंग क्या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इशू करता है. साइक्लोन अलर्ट कब यूज करता है, तो येलो कोड है, तो ये बात बिल्कुल सही है. साइक्लोन वार्निंग के लिए ऑरेंज और पोस्ट लैंडफॉल आउट लेके रेड. तो भी तीनों के तीनों कोड्स क्या बिल्कुल करेक्ट मैच है ऑलरेडी. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुल एंड चूज द राइट आंसर. मित्र मेला सीक्रेट सोसाइटी ऑर्गेनाइज बाई थी छापेकर. देखो मित्र मेला वी डी सावरकर ने की थी, ठीक है, ना कि छापेकर ब्रदर्स, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गई. अनुशीलन सोसाइटी एक सीक्रेट सोसाइटी थी फॉर प्रमोटिंग रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज फाउंडेड बाय बीके घोष, जतेंद्रनाथ बनर्जी, पी मिश्रा. तो भाई ये बात सही है. तो ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिलीजियस लाइफ इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन. ट्रीज एंड एनिमल्स को वर्शिप किया जाता था, ये बात है. हड़प्पन आइडल वर्शिप नहीं करते थे, कोई गलत है, हर वो करते थे. बोथ मेल एंड फीमेल वर्ड वर्शिप, ये बात सही है. तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 वाज पास रिस्ट्रिक्टिंग द फ्रीडम ऑफ प्रेस. ये बात बिल्कुल सही है. इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 वाज पास टू चेक द ग्रोथ ऑफ द हायर एजुकेशन एंड टू ब्रिंग यूनिवर्सिटीज अंडर टाइटल. ये बात बिल्कुल सही है. इस वक्त क्या था, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल ऊपर रखा गया था, प्राइवेट प्लेयर को बाहर निकालने लगे गए थे. लॉर्ड डफरिन इस वक्त वाइसरॉय थे, नहीं भाई, इस वक्त जो लॉर्ड कर्जन थे, आपको पता है 1905 में पार्टीशन भी किया था, तो उस वक्त लॉर्ड कर्जन थे, ना कि डफरिन थे, ठीक है. डफरिन गलत हो गया. तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स. वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, जस्टिस विदाउट बॉर्डर्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल लॉ कमीशन. तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट. अमरा न्याय का सिस्टम वॉज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर. द अमरा न्याय किसे बोलते थे भाई, ये मिलिट्री कमांडर्स होते थे, हुवर गिवन टेरिटरीज टू गोवा, ठीक है. तो इसका राइट आंसर यही है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिचुअल्स वर परफॉर्म इन द वैदिक एज टू एक्सपेंड द पावर्स ऑफ द किंग. राजस्व, अश्वमेध, वाजपेयी. भाई ये सब क्या है, ये परफॉर्म करते थे इस तरह के, ये हवन टाइप होते थे. तो ये तीनों के तीनों क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. अरेंज द इन इवेंट्स को क्या अपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना. मेरठ कॉन्स्पिरेसी के, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक कांग्रेस. देखो सबसे पहले हुआ था कानपुर कॉन्स्पिरेसी के, 1924 में हुआ था. इसके बाद हुआ था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये 28 में हुआ था. उसके बाद मेरठ कॉन्स्पिरेसी के 29 में हुआ था. और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 36 या 37 में हुआ था. तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर है 4213 है.
विथ रेफरेंस टू द साइमन कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑल मेंबर्स इसके इंग्लिश में थे गाइस, हमने कल भी किया था, बिल्कुल बात सही है। नेशनल कांग्रेस ने इसको बॉयकट करने के लिए डिसाइड किया था, ये बात भी सही है। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने भी कांग्रेस को सपोर्ट किया था, मतलब कि उसने भी बॉयकट करने को बोला था, ये बात भी सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट के इसमें बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया पोर्टुगल ने भी डिसाइड किया कि वो एक नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज म्यूजियम लोठाल गुजरात में क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो गाइस ये हमने PT365 में भी कवर किया। द प्रोजेक्ट इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग थ्रू इट्स अगरमला प्रोग्राम, ये बात सही है। लोठाल एक एंशियंट इंडस वैली साइट है, ये बात भी सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। इसमें कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिल्ड्स, गिल्ड्स क्या होते थे, मेनली ट्रेडर्स को ही बोलते थे। दे एक्टेड एज अ ट्रस्ट एंड बैंकर, ये बात बिल्कुल सही है। द वेजेस रूल ऑफ द वर्क स्टैंडर्ड एंड प्राइसेस वर फिक्स्ड बाय द गिल्ड, ये बात बिल्कुल सही है। गिल्ड हैज जुडिशियल पावर ओवर इट्स ओन मेंबर, तो ये बात भी सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेलवे अपरूटेड द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन रिमोटेस्ट विलेजेस ऑफ द कंट्री, ये बात बिल्कुल सही है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को उन्होंने उजाड़ दिया था क्योंकि जो सस्ता जो माल था वो रूरल एरियाज तक भी पहुंचने लग गया रेलवे की हेल्प से। कॉटन वीविंग एंड स्पिनिंग इंडस्ट्री वर द वर्स्ट हिट इंडस्ट्री ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम, तो भाई दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल, तो आपको बताना है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट किया था। जॉन लॉरेंस, यस इन्होंने किया था, हेवलॉक ने भी किया था, नील ने भी किया था, हुग्रोव्स ने भी किया था, वारन हास्टिंग, भाई वारन हास्टिंग तो आप खुद सोचो ना 72 से 85 में आए थे, 1772 और ये 1857 की बात है, तो वारन हास्टिंग के अलावा ये चारों के चारों थे, ठीक है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द महाजनपद, आपको पता है 16 महाजनपद थे। फेवरेबल इकोनॉमिक सोशियो कल्चर रिलीजियस एंड जियोग्राफिकल कंडीशन हेल्प इन द इमर्जेंस ऑफ महाजनपद, ये बात बिल्कुल सही है। ऑल द महाजनपद वर लोकेटेड इन द नॉर्थ में, नहीं भी साउथ में भी थे। रिपब्लिकन पॉलिटिकल सिस्टम वॉज मोर कॉमन देन द मोनार्कल, नहीं देखो 16 में से 14 महाजनपद के मोनार्कल था, 2 के रिपब्लिकन था, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। ओनली स्टेटमेंट क्या करेक्ट है जो फर्स्ट है। आगे बढ़ते हैं, कोल क्रूड ऑयल नेचुरल गैस इनमें इंडस्ट्री में से कौन सा 8 कोर इंडस्ट्रीज में आते हैं, भाई चारों के चारों तो ये तो कोर इंडस्ट्रीज में आती है, बाकी गाइस आपको पता होना चाहिए 8 कोर इंडस्ट्रीज में कौन कौन से है, तो फिर भी पढ़ लेते हैं देखो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी, स्टील रिफाइनरी, क्रूड ऑयल, कोयल, सीमेंट, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर, ठीक है, ये 8 कोर इंडस्ट्रीज है इंडिया की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, गुलदा बम बेगम सिस्टर ऑफ हुमायूं रोट हुमायूं नामा, ये बात बिल्कुल सही है। जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, टाइटल तुजुक आई जहांगीर, ये बात बिल्कुल सही है। अकबर ने क्या अपनी ऑटोग्राफी लिखी थी एन अकबर, तो ये भाई गलत है, अकबर ने अपनी नहीं लिखी थी, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग एंशियंट डायनेस्टीज, और आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना, देखो सबसे पहले ग्रीक्स आए थे, फिर पार्थियंस आए थे, फिर शाकास आए थे, फिर कुशानास आए थे, ठीक है गाइस, ये पढ़ना आपको एंशियंट हिस्ट्री में, अगर आपने पढ़ी हुई तो आपको पता होगा। 2, 4, 1, 3 इसका करेक्ट आंसर है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एम्परर अशोका, अशोका वाज द फर्स्ट इंडियन किंग टू स्पीक डायरेक्टली टू द पीपल थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन विच कैरी रॉयल ऑर्डर, ये बात भी सही है। अशोका ने इंस्क्रिप्शन के संस्कृत में नहीं भाई, इसमें बहुत लैंग्वेजेस है, पाली भी है, ठीक है, प्राकृत भी है, बहुत है, ठीक है, तो स्टेटमेंट गलत होगी। अशोका ने इंस्क्रिप्शन वर जनरली प्रेजेंट एंशियंट हाईवे, तो ये बात बिल्कुल सही है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल करेक्ट है। कुछ आपने बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में बताओ जो ऋग्वेद में मेंशन है। द बैटल वाज फोर्ट बिटवीन द भारतास ऑन द वन हैंड एंड द होस्ट ऑफ द 10 चीफ्स ऑन द अदर हैंड, तो भाई ये बात बिल्कुल सही है। दिस बैटल वाज फोर्ट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर परुशनी आइडेंटिकल विद द रिवर ब्रावी, तो ये बात सही है। दिस बैटल गिव विक्ट्री टू द किंग सुदास एंड एस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी भारत, तो भाई ये बात सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द वायु श्रेष्ठ सम्मान, तो गाइस ये भी हमने करंट अफेयर्स में कवर किया हुआ, ये नेशनल अवार्ड्स हैं जो सीनियर सिटीजन को दिया जाता है इन्वॉल्वड इन द रेंडरिंग डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज फॉर द कोज ऑफ एल्डरली पर्सन, ये बात बिल्कुल सही है। दीज अवार्ड्स वर जॉइंटली गिवन बाय द MHRD, देखो ये जो अवार्ड्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, ना कि MHRD या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वर्क के द्वारा नहीं किया जाता। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट केस में सही है। कंसीडर द फॉलोइंग मुगल एम्परर, जहांदर शाह, फरुख शियर, मोहम्मद शाह और औरंगजेब हैं, इनको अपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना, तो भैया आपको पता होगा सबसे पहले औरंगजेब आए थे, फिर जहांदर शाह आए थे, फिर फरुख शियर, फिर मोहम्मद शाह, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 4, 1, 2, 3 है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द राइट आंसर। विष्णु शर्मा वाज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र, भाई गलत है, सही है। अर्थशास्त्र वर्ग को विशाखा था, तो भाई आप बताओ अर्थशास्त्र भाई किसका वर्ग है, कौटिल्य का है। राजा तरंगिणी वाज कंपोज बाय करहाना, तो ये बात सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ओनली सेकंड। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली और राइट आंसर चूज करो भाई। मेगास्त्र विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रियाइन ऑफ किंग चंद्रगुप्ता मौर्य, तो भाई ये बात बिल्कुल सही है। फाहिन ने इंडिया में विजिट किया था ड्यूरिंग द गुप्ता किंग चंद्रगुप्ता सेकंड, ये बात भी सही है। ह्यून त्सांग ने विजिट किया था ड्यूरिंग किंग हर्षवर्धन, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो गाइस इनके जो बाहर के फॉरेन रूलर्स हैं आपको पता होना चाहिए कौन किसने किसके रूल में टाइम विजिट किया था, ठीक है, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है।
विद रेफरेंस टू द कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम रिसेंटली जो न्यूज़ में थी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ अ सेंट्रली फंडेड स्कीम अंडर द फ्लैगशिप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखो ये सेंट्रल स्कीम नहीं थी, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने अपने रीजन में स्टार्ट करी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। द स्कीम इज इन्वेस्टेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर मैरिज ऑफ गर्ल्स, ये बात बिल्कुल सही है। मिनिमम एज फॉर अवेलिंग बेनिफिट अंडर द स्कीम इज 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स, ये बात भी सही है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ताकि हम वुमेंस को बढ़ा सके, ठीक है। तो ये तीनों सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या इसमें सही थी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मकाली खुशहाल इज एसोसिएटेड विद द आजीविका सेक्ट, तो ये बात सही। गुप्ता किंग डोनेटेड सेवरल केव इन द ऑनर ऑफ आजीविका, देखो अशोका ने दी थी, ठीक है ना, कि गुप्ता ने, तो स्टेटमेंट गलत होगी। आजीविका वाज वन ऑफ द ऑर्थोडॉक्स, देखो ऑर्थोडॉक्स नहीं थे बल्कि ये तो न्यूट फिटते थे, ये हेट्रोडॉक्स थे, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या इसमें करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। विद रेफरेंस टू द कैबिनेट मिशन प्लान, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर द कैबिनेट मिशन, ये बात बिल्कुल सही है। इट वाज सेंट इन 1946 टू नेगोशिएट विद इंडियन लीडर्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर्स टू इंडियन, ये बात भी सही है। इट प्रपोज टू टायर फेडरल प्लान, ये बात बिल्कुल सही। आपको पता है जो हमारा थर्ड टायर दैट इज द लोकल बॉडीज, ये हमारी 1992 में आई हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तीनों की स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। सो गाइस यहां पे हमने हिस्ट्री का दूसरा टेस्ट भी कवर कर लिया है, कल हम एक और टेस्ट करेंगे, ठीक है। और तब तक ले बाय टाटा।